नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स के अंतिम यानी सबसे आखिरी टॉपिक को लेके आए हैं। आज के बाद बायोमोलिकुल्स का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो नंबर 8 के लेक्चर को हम लोग लेके आ गए हैं। हम लोग डीएनए और आरएनए को पढ़ रहे थे। डीएनए और आरएनए के कंसेप्ट को हमने पढ़ के छोड़ दिया था वहाँ पे। तो एक फाइनली जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखे, डिफरेंस डिफरेंट कहता है लिखने के लिए हमारा डीएनए और आरएनए के बीच में, उस डिफरेंट को जानते हैं। सबसे पहले डिफरेंट जो हमारा है उसके अंदर का शुगर, उसके अंदर जो शुगर होते हैं डीएनए में जो है डी ऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने डी ऑक्सी राइबोज और राइबोज का जो है एक स्ट्रक्चर बना के समझाया था कि क्या होता है। तो डीएनए में जो है डी ऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं और आरएनए में जो है राइबोज शुगर होते हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे। दूसरा जो है डीएनए और आरएनए में जो दूसरा डिफरेंट है वो हमारा है कि डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होगा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से डीएनए, और आरएनए सिंगल हेलिक्स होते हैं। आरएनए में जो है केवल एक ही हेलिक्स होता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि डीएनए में थाइमिन होता है, डीएनए में एडेनिन ग्वानिन, साथ में जो हमारा है एडेनिन में जो हमारा है डीएनए में जो हमारा है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, और यू एक आपका होता है एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन होता है, ये चार होते हैं। लेकिन आरएनए में जो है थाइमिन की जगह पे हमारा यूरासिल होते हैं। यानी लिख सकते हैं इसमें कि डीएनए में हमारा जो है एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन के साथ थाइमिन भी होते हैं, लेकिन आरएनए में एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन के साथ यूरासिल होते हैं, थाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर पॉइंट बना के अगर लिख भी सकते हैं कि इसमें यूरासिल क्षारक नहीं पाया जाता है, इसमें लिखेंगे थाइमिन क्षारक नहीं पाया जाता अगर पॉइंट बढ़ाना हो तब। फिर हमारा जो है डीएनए के लिए जो अगला पॉइंट है यह अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। अनुवांशिक सूचनाओं मतलब जैसे हमारे पूर्वजों का जो गुण है हमारे में हमारे अंदर आते हैं, और उन गुणों को ये स्थानांतरित करता है एक पूर्वज से लेके दूसरे पीढ़ी तक, एक कुल से लेके दूसरे कुल तक, ठीक है। जो हमारा डीएनए आरएनए है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आपको याद होगा कि डीएनए जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में ज्यादा मिलता है हमारा डीएनए, और आरएनए जो है कोशिका द्रव्य में, और जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें आरएनए जो है हमारा उपस्थित होते हैं। एक टॉपिक और हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है टॉपिक, आपको जैसे अज्ञात लोगों का जो मर्डर हो जाता है देखिए होगा, कई फिल्मों में भी दिखाया जाता है, सीआईडी सीरियल में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अज्ञात लोगों का जो मर्डर हो जाता है तो उसका डीएनए चेक किया जाता है कि डीएनए से ये पता चलता है हाँ कि ये कौन थे, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं रहता है उसको चेक किया जाता है। फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंट से भी पता करते हैं, जैसे अगर कोई किसी का पुत्र बहुत दिन तक खोया हुआ है और कोई एकाएक बहुत दिन के बाद पुत्र आ गया, धन के लालच में आके कोई और भी इंसान पुत्र बन के चले आते हैं, तो उसमें उसका डीएनए किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि क्या उसके कुल का मतलब उसके वंश का है कि नहीं, या उसकी पीढ़ी का है कि नहीं। और डीएनए से जो है अपने पीढ़ी के लोगों के बीच में समानताएं पता चलती हैं। तो डीएनए के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर जो है वो बॉडी जो हमारा है, प्रत्येक बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। तो कह रहा है हमारे शरीर यानी मनुष्य के शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक, केंद्रक समझते हैं आप लोग, कोशिका के जो बीच वाले भाग जो होते हैं केंद्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो केंद्रक में उपस्थित डीएनए, केंद्रक में कौन होते हैं डीएनए होते हैं, हमने यहाँ भी लिखा है केंद्रक में कौन होते हैं डीएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारक का एक क्रम होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना डीएनए का, जैसे आप डबल हेलिक्स डीएनए है, चलिए ऐसे डीएनए है, डीएनए ऐसे है आपको पता है डीएनए ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे रहता है ए सी ऐसे है ना, फिर आपका जी टी ऐसे है ना, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं ए टी ऐसे है ना। तो ये जो है ना एक क्रम में होता है, ये क्रम आपको प्रत्येक
पीढ़ी के लिए एक तरह का होता है। जैसे मानिए कि मेरे जो पिता होंगे, उनके पिता जो होंगे, उनके पिता जो होंगे, उनमें ये क्रम डीएनए का जो है, नाटुरी क्षारक का जो क्रम है, वो एक एक क्रम होगा, सब में एक तरह का ही क्रम होगा, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अब जो डीएनए का जो मेरा मेरा जो होगा क्रम, वो क्रम मेरे पिता में भी देखा जाएगा, तो मेरे पिताजी का डीएनए चेक किया जाएगा, मेरा चेक किया जाएगा, और इसे ये निकाला जाएगा कि ये दोनों में कहीं ना कोई संबंध है। अगर जिसका क्रम नहीं मिल रहा हो मिलता है, तो दोनों में क्या है, भिन्नताएं मानी जाती है। यही आपको इसको, इसीलिए इसका उपयोग जो है, खासकर डीएनए का उपयोग जो है, आपको पता होगा कि पुराना जो बहुत दिन पुराने लाश और जो होता है, जिसको किसी को हत्या करके फेंक दिया है, पता नहीं चल रहा है कौन है, तो उसको जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो हम लोग पता करते हैं कि वो कौन है। फिर हम जो है कभी कभी होता है कि ऐसा है कि किसी की पहचान कराने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। जैसे कोई इंसान आ गया है, एक बता रहा है खुद को, किसी का बेटा बता रहा है, खुद को किसी का पोता बता रहा है, एक आ गया है 5-10 साल के बाद, तो वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंट का ही उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंट का एक मुख्य चरण है। अब देखिए, धन दौलत के लालच में लोग कुछ भी कर सकता है ना। कुछ भी कहने का मतलब है कि वो झूठ का एक नया नया स्टोरी क्रिएट कर लेता है, पहुंच जाता है किसी के पास, राजा महाराजाओं के पास, देखे होइएगा कहीं ऐसा आपके पास केस आया होगा, पेपर में भी आता है ना, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो है पता किया जाता है कि क्या सही में उसी का वो है कि नहीं। फिर हमारे पास में जो है अगला टॉपिक हमारा है हारमोन। मुझे इतना तो ज्ञात है कि आप लोग हारमोन शब्द से परिचित होइएगा, क्योंकि हार्मोन को हम लोग 10th में पढ़े थे, हार्मोन को हम लोग 11th 12th के बायोलॉजी में पढ़े थे। हार्मोन होता क्या है, तो हार्मोन कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां कहने का मतलब हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे बता रहे हैं हम आपको, पीयूष ग्रंथियां जिसको प्यूट्री ग्लैंड कहा जाता है, उसके अलावा थायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथियां, लेंगरहंस की दीपिकाएं, इसके अलावा जनन ग्रंथियां, बहुत सारी ग्रंथियां इस प्रकार की हमारे शरीर में मुख्य अच्छे दिखे जाते हैं। तो इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के द्रव निकलते हैं, जो द्रव हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या संचालित करते हैं, उन्हीं द्रवों को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। भाषा में लिखा गया होगा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतर ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के द्रव निकलते हैं, इन द्रवों को हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए, ये जो हार्मोन है, इन्हें कई प्रकार में क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, कई प्रकार में इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है स्टेरॉइड हार्मोन, एक होता है एमीन हार्मोन, एक होता है पेप्टाइड हार्मोन। अब देखिए, पहला हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन, बायोलॉजी वाले बच्चे को पता होगा, ये वीरसन में पाए जाते हैं और ये शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है ना। ये दूसरा होता है एस्ट्रोजन, इस हार्मोन के बारे में भी बायोलॉजी वाले बच्चे को पता होगा, ये हार्मोन जो है हमारे अंडाशय में बनते हैं और अंडाणु को नियंत्रित करते हैं, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है और ये मुख्यतः हमारा स्त्रियों में होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये आपको भी ये भी पता होना चाहिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को, ये हमारे गर्भाशय में, हमारे गर्भाशय नहीं, महिलाओं की गर्भाशय में ये हार्मोन जो है हमारा स्रावित होता है। तो गर्भाशय के विकास, जो गर्भाशय में जो संकुचन होता है, जो फैलाव होता है, उन्हीं संकुचन और फैलाव के लिए जो है हार्मोन उत्तरदायी है। फिर हमारा जो है एमीन हार्मोन, एमीन हार्मोन में पहला जो है एपिनेफ्रिन, इस हार्मोन का मुख्य रूप से क्रिया है हृदय की गति का संचलन, या कह सकते हैं कि हृदय की गति का नियंत्रण, है ना। ऐसा नहीं कि हृदय गति आपका जो है 1 मिनट में 72 सेकेंड बार का धड़कता हम इंसानों की शरीर हृदय, ऐसा ना हो कि 1 मिनट में आपका धड़कता 120, 50, 140, 180, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बीपी हाई, बीपी लो का भी शिकायत होने लगता है मरीज, है ना। तो उसको नियंत्रित करता है कौन, हमारा एफिनेफ्रिन। और थायरेक्सिन हार्मोन के बारे में जानते होइएगा, ये थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में क्या बोलते हैं इसको, नमक के मात्रा को ये नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से जो है हमारे गले के नेक के पास, गर्दन के पास जो है एक गलकंड निकल जाती है, जिसे घेगा कहा जाता है। तो घेगा से बचने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। फिर हमारा पेप्टाइड हार्मोन में जो है पहला हार्मोन जो है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, आपको पता होगा इस हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है लव हार्मोन भी कहा जाता है
है ना, ये वही हार्मोन है जो एक माँ को अपने बच्चे के प्रति स्नेह को दिखाता है ना। और यह हार्मोन बच्चे को जन्म देते समय माँ के, है ना, माँ के जो है जनन ग्रंथियों से निकलती है। और इस हार्मोन के बारे में आपको पता होगा कि यह हार्मोन ऐसा है, जैसे अगर कोई अगर बच्चे हमारे 10-12 साल के, 10-12 महीने के बच्चे हैं, तो अगर उनकी माँ उनके बगल में है और बच्चे उस माँ को नहीं देखे हैं, फिर भी उनको अनुभव हो जाता है, क्योंकि माँ के शरीर से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्रावित होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है माँ को बच्चे पहचान जाते हैं। तो ये हमारा हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी हार्मोन का ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे को पहचानने में प्रॉब्लम होती। और अंतिम हार्मोन जो हमारा है ये इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते होगा, इंसुलिन जो है हमारे शरीर में चीनी चीनी नहीं कह सकते, ग्लूकोज कहिए, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो एक बहुत खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, जिसको हम लोग चीनी रोग कहते हैं, मधुमेह, है ना, मधुमेह हो जाती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर बाहर से हमारे जो है हमें सुई के द्वारा इंसुलिन की सुई लगवानी पड़ती है, जिससे डायबिटीज जो है हमारा सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स के 8 लेक्चर को हमने जाना, है ना। प्रत्येक लेक्चर को हमको जानने के बाद जो है ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे आपका द एंड हो रहा है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। और सबसे पहले तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऊपर से नीचे सभी वीडियो को एक बाय एक, है ना, वीडियो संख्या 1 से लेकर वीडियो संख्या 8 तक आप देख ले। इसके बाद आपको जो है इस टॉपिक से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।